होता है, और फंक्शन में एक जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती। मीन्स हम ऐसा फंक्शन जिसमें एक डोमेन हम एक इनपुट दें और दो आउटपुट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, जस्ट इन्होंने यह बताया है कि जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फंक्शन है क्या और ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट इसका, फंक्शन का। सो हमारे पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था लेबनीज ने। लेबनीज एक हमारे पास क्या था, मैथमेटिशियन था, जिसने जो है ना कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शन का। सही है। फंक्शन हम किसे कहते हैं, फंक्शन इज लाइक अ प्रोसेस, मतलब मींस एक ऐसे कहें कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं इनपुट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मशीन है, सपोज ये हमारे आपके पास क्या, ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। अब यहाँ पे हम एक इनपुट दे रहे हैं और ये इनपुट यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस होगी। क्या होगी यहाँ पे, प्रोसेस होगी। प्रोसेस होकर हमें जारी बातें आउटपुट मिलेगा। सही है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन का मतलब ये बात याद रखें अपने जहन में कि हम एक इनपुट दें और मुझे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। सही है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक इनपुट दें मुझे दो आउटपुट आउटपुट मिले तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। सो एक और बात मेरी याद रखें, फंक्शन और रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन। जो सारे फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास वो रिलेशंस होते हैं, लेकिन ऑल रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन, और सब जो रिलेशंस होते हैं वो फंक्शंस नहीं होते। सपोज फॉर एग्जांपल मैं जो है एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शन की नोटेशन, नोटेशन पर बात करते हैं कि फंक्शंस की नोटेशन क्या है हमारे पास। सही है। तो नोटेशन की अगर हम बात करें, कोई यहाँ पे जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो एक्स है, एक्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। सही है। ये एक्स हमारे पास क्या होता है, इनपुट, और ये जो वाई होता है हमारे पास वो क्या होता है, आउटपुट। और सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्स है उसको आप डोमेन भी कह सकते हैं, और ये आपके पास वाई जो होता है वो आपके पास क्या होता है, आउटपुट, या इसको आप रेंज भी कह सकते हैं। ये जो है ना आपके पास क्या होती है, नोटेशन होती है फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सही है। और मैं एक और एडिशनल पॉइंट्स बताता जाऊं कि ये जो हम लिखते हैं फंक्शन की नोटेशन, कौन सी नोटेशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लिखते हैं हम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन यूलर, कौन था, यूलर, यूलर नाम था। उन्होंने ये बताया था कि जो है ना वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, मींस जब हम इनपुट देंगे मुझे जो एक नई चीज, नई प्रोडक्ट मिलेगी मुझे, वो आउटपुट होगा। तो ये जो उन्होंने फॉर्म बताई थी, ये किसने फॉर्म बताई थी हमें, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यूलर ने हमें जो है ना दिया था इसका, y इक्वल टू f ऑफ x का, कि आप जो है ना फंक्शन को y की, y में जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था इसका। अब आगे अगर बात करें फंक्शन को, सिंपल एक वर्ड्स में अगर याद करें उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें कि फंक्शन हम उसे कहते हैं, फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एक कहें कि इज अ रिलेशन, इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन होता है ना हमारे पास वो क्या, किसका टाइप होता है, फंक्शन रिलेशन का टाइप होता है। सही है। जिसमें हम क्या करते हैं, एक इनपुट दें और मुझे एक आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो आपके पास फंक्शन होगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रेडिकल एक्स। सही है। मेरे पास ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्स है वो आपके पास क्या है, डोमेन है, और अगर मैं डोमेन यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन ले रहा हूँ, सपोज मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, तो जब मैं एक इनपुट पुट करूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी प्लस माइनस वन। अब मुझे कोई बताएगा कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ये फंक्शन नहीं होगा। वाई रीजन,
क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है ना फहीम, तो हर डोमेन की एक यूनिक रेंज होती है, तो यहाँ तो एक जी डोमेन की दो एग्जैक्टली रेंजेस। एग्जैक्टली बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक इनपुट दें और मुझे दो आउटपुट मिलने चाहिए, लेकिन आप इसको रिलेशन कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, मगर इसको फंक्शन नहीं कह सकते। दैट्स वाई जो है ना उन्होंने कहा है कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, जो भी फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन होते हैं, सही है, बिकॉज इट इज द टाइप ऑफ द रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस इज नॉट अ फंक्शन, जो सारे रिलेशंस होते हैं ना वो फंक्शंस नहीं होते, सही है। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था फंक्शन और रिलेशन के दरमियान। अच्छा, और मेन बात ये है कि जब आप एक्सरसाइज सॉरी इसमें देखेंगे एडिशनल मैथमेटिक्स बुक में, उनमें ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन होता है ना, आपके पास जो फंक्शन, उसको हम बहुत सारे फॉर्म्स में जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। एक तो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, ये देखें, ये आपके पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 1 2 3, सही है, और यहाँ पे है 2 4 5 7। अब यहाँ पे जो है ना, ये मैं कहूँ कि 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 2 इज एसोसिएटेड विद 4, 3 इज एसोसिएटेड विद 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मैं इनपुट 1 दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 2 मिल रहा है, और एक फंक्शन है जिसमें मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे 4 आउटपुट मिल रहा है, और अगर 3 पुट कर रहा हूँ उस फंक्शन में तो मुझे आउटपुट जो है ना वो 7 मिल रहा है। सो इसका मतलब ये, 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 2 इज एसोसिएटेड विद 4। सो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 1, 2, एंड 2 इज एसोसिएटेड विद 4, एंड 3 इज एसोसिएटेड विद 7। सो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन होगा? जी फहीम, ये फंक्शन है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये फंक्शन क्यों होगा, वो इस वजह से, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि देखें डोमेन रिपीट हो रही है या नहीं। अगर डोमेन रिपीट होगी तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, अगर डोमेन डोमेन रिपीट होगी तो आपका फंक्शन नहीं होगा, डोमेन रिपीट ना हो। कैसे, अब देखें यहाँ पे अगर गौर करें, 1 इज एसोसिएटेड विद 7, फंक्शन में एक बात ये याद रखें कि हर किसी डोमेन की अपनी एक यूनिक रेंज होती है, ये बात याद रख रहे, फंक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हर किसी डोमेन की अपनी रेंज होनी चाहिए लाजमन। अब यहाँ पे देखें, अगर नोट करें कि 1 को अपनी रेंज है 2, और 2 को अपनी रेंज है 4, और 3 को अपनी जो है ना रेंज है 7। अगर मैं ऐसे करता, अगर सपोज लेट सपोज अगर मैं ऐसे करूं कि इसको मैं थोड़ा जो है ना चेंज कर लूं, एक मिनट, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 2 इज एसोसिएटेड विद 2, एंड क्या ये अभी फंक्शन है हमारे पास? जी फहीम, ये भी यस, फंक्शन है। फंक्शन है ये फंक्शन है। जी। आई थिंक सोच नहीं है लें ये फंक्शन सोच लें थ्री, सोच ये लें फंक्शन सोच नहीं लें है, सोच लें। थ्री को कोई यस इमेज नहीं है एग्जैक्टली, इस वजह से। ये ये हाँ फंक्शन नहीं है, फहीम, ये फंक्शन है। एग्जैक्टली, आई दिस ये इज नॉट फंक्शन अ नहीं है फंक्शन। क्योंकि डोमेन वाली साइड में ना वो पूरे मतलब नहीं हो रहे ना। अच्छा दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बात याद रख लें कि डोमेन को लाजमी किसी के साथ जो है ना मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 डोमेन बच रही है, इसके कोई भी मैंने एसोसिएट नहीं किया, तो डेट्स वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं इसको ऐसे करता, सपोज जो है ना मैं इसको ऐसे करता कि ये 3 को एसोसिएट करता 7 के साथ, तो ये फिर फंक्शन होगा, लाजमन होगा, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, अगर मैं इस 3 को
फोर के साथ जो है ना वो क्या करता हूँ मैं जो है ना एसोसिएटेड करता हूँ, तो आप ये बता सकते हैं कि अब ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, व्हाट रीजन बिहाइंड इट? डोमेन थ्री रिपीटेड है, थ्री रिपीटेड है, डोमेन थ्री रिपीटेड है ना, तो एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे देखें थ्री इज एसोसिएटेड विद फोर एंड थ्री इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेवन. अब यहाँ पे देखें ये डोमेन रिपीट हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. सो जब आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शंस की, तो सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि डोमेन रिपीट हो रही है या नहीं. अगर डोमेन रिपीट होगी तो आपका वो फंक्शन नहीं होगा. अगर डोमेन जो है ना डोमेन का इसमें जो है ना मेन कॉन्सेप्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, जब आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी ना, तो आपसे पूछे क्वेश्चन में कि आप ये बताएं कि वह ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको डोमेन को मद्देनजर रखते हुए बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का कि फंक्शंस में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास फंक्शन है और नहीं है. सही है, अच्छा. और डोमेन की भी बात कर ली, सो मुझे कोई बताएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट इमेज सेट? अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि इमेज सेट है क्या, कोई बताएगा व्हाट डू यू नो अबाउट इमेज सेट? ये इमेज ना ये रेंज होता है, इमेज को तो मतलब हाँ एग्जैक्टली रेंज कह सकते हैं. जी एग्जैक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये वो सेट है जो हमें पॉसिबल आउटपुट के वैल्यूज दे. डोमेन हमें इनपुट के देता है, तो ये हमें आउटपुट के देता है. कोडोमेन का सबसेट होगा. जी एग्जैक्टली हाँ, तो इमेज सेट को हम सिंपली क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. सही है, और इसको आउटपुट वैल्यूज, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज भी हम कह सकते हैं इमेज सेट को. सही है, तो माशाल्लाह कॉन्सेप्ट है आपका इसमें. ठीक है, अच्छा. अब इसमें क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास फंक्शंस में, अगर आप अपनी एडिशनल मैथमेटिक्स बुक को देखें, तो आपके पास जो फर्स्ट अगर हम बात करें कि आपके पास डोमेन मिली होगी, एक फंक्शन मिला होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फंक्शन मिला होगा. मैं सपोज कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक फंक्शन होगा. सपोज मैं अगर बुक को मद्देनजर रखते हुए एग्जांपल समझाऊं आपको, 2x² + 1, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है. कोई इनपुट ही नहीं है, कैसे बता सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन किया है कि ये क्या ये फंक्शन है, जस्ट ये बता दें. जी ये फंक्शन है फहीम. अच्छा, इस्लाम ने कहा है कि ये फंक्शन है, तो कोई और बताएगा ये कैसे मींस फंक्शन है? हमने नहीं तो इसमें कंडीशन दिए, डोमेन दिए नहीं कोई, तो आपको कहते कैसे पता चला कि ये फंक्शन है? मैं बताऊं, हम सपोज कर सकते हैं ना, हम डोमेन ले सकते हैं ना अपना, कोई भी वन डोमेन ले फॉर एग्जांपल, तो हमें वैल्यू 3 मिलेगा. तो एक डोमेन दिया, एक रेंज मिली, तो ये फंक्शन होगा. जी हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अब हम हमारे पास जो है ना डोमेन हम पुट कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी डोमेन आप पुट करेंगे, कोई भी इनपुट पुट करेंगे, तो आपके आपके पास फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी उसका जो रेंज आएगा वो डिफरेंट आएगा. सही है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन. अच्छा, अब ये आपके पास एक फंक्शन है, तो कोई बताएगा ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है? यस, यस एक्स, थैंक यू. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन बिकॉज हैविंग डिग्री 2, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. ओके, अब हमारे पास क्या है कि ये एक आपके पास फंक्शन दिया गया है. अगर मैं आपसे आपको जो है ना एक हिंट दे देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि इनकी जो डोमेन है वो है -1, -2, -3. सही है, ये आपके पास डोमेन है. सो आप रेंज फाइंड कर सकते हैं.
तो रेंज मुझे बताएं क्या होगी इसकी रेंज अगर मेरे पास डोमेन ये है। अगर हमारे पास डोमेन ये है ना, तो ये हम एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। जी जी एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वन को पुट करेंगे एक्स की जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास अगर माइनस वन पुट करने से मुझे जो रेंज मिलेगी वो मुझे मिलेगी माइनस वन टू थ्री, मुझे जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, थ्री मिलेगी, सही। अच्छा सॉरी, अच्छा अगर हम टू पुट करें तो टू पुट करने से मुझे जो रेंज मिलेगी वो मुझे मिलेगी नाइन, ठीक है। अच्छा और अगर थ्री हम पुट करेंगे तो मुझे जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, नाइनटीन, सही। ये आपके पास क्या है, रेंज है। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप ये बताएं कि ये रेंज है, सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस रेंज को इस फॉर्म में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 3, 9, 19। नहीं, ये रेंज नहीं होगी। रेंज रेंज कह सकते हैं इसको? नहीं, इसको रेंज नहीं कह सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि ये बात एक याद रख लें कि जब भी आप किसी भी फंक्शन की जो रेंज को एक्सप्रेस करेंगे ना, रेंज को, वो जस्ट आप किस में करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में, सही है। ये एक मेन बात याद रख लें। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये कर्ली ब्रैकेट दे दूं, अब ये होगी रेंज, अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक मिनट, ये ऐसे करूं और ये, अब ये रेंज हो सकती है? नहीं, ओनली आई थिंक ओनली कर्ली ब्रैकेट से होगी। अच्छा, ओनली कर्ली ब्रैकेट से? जी। अच्छा तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अच्छा 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 एक मिनट, अगर मैं इसको जो रिलेशन लिखता हूं मैं आर्डर पेयर्स की फॉर्म में, तो ऐसे लिखता हूं 1, 2, तो और मैं लिखता हूं, सॉरी एक मिनट, ये 1, अच्छा मीटिंग 10 मिनट के बाद एंड होने वाली है, तो आप सेम ही मीटिंग पे, सेम ही लिंक पे ज्वाइन होना, सही है। 1, 1, ये 1, 1 लिखा मैंने, सही है, और मैंने लिखा 2, 2, और मैंने लिखा है 3, 3। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं, अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं, तो मैं इस फॉर्म में रेंज लिख सकता हूं, सपोज अगर मैं ऐसे कहूं कि 1, 1, 2, 3, इट इज द बेस्ट वे और दिस इज द बेस्ट वे? सेकंड वन वाला, कर्ली ब्रैकेट वाला। हाँ एग्जैक्टली तो आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम डोमेन और रेंज को एक्सप्रेस करते हैं एक सेट में। जो डोमेन और रेंज होती है ना, वो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म। आप रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते होंगे कि रोस्टर फॉर्म है क्या। रोस्टर फॉर्म जो है ना, हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म होती है ना, टेबुलर फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे सेट्स में हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं ना, उसका दूसरा नाम होता है रोस्टर फॉर्म, और उसको उसका जो है ना और नाम होता है लिस्ट, आई थिंक लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग एलिमेंट्स। हाँ लिस्ट, जी जी जी, लिस्टिंग एलिमेंट्स, हम लिस्टिंग मेथड्स हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म को और नाम से, सही है। सो इतने नाम रखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो है ना एडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके सो अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कि फंक्शन मिला होगा तो हम कैसे जो है ना उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब हम आज जो है ना थोड़ा बात करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब हमने पढ़ा प्रीवियस में कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कैसे जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन होगा और नहीं होगा। सो आज अभी जो है ना हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन पे। किस पे? ग्राफ ऑफ फंक्शन। कि अगर मुझे ग्राफ मिला हुआ है तो
तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये आपके पास जो है ना वो फंक्शन होगा या नहीं होगा? सो किसी को आपको आइडिया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एनीवन, जिसको कोई भी आइडिया हो वो बता दे। वर्टिकली लाइन ड्रा करके, अगर एक पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन होगा, या फिर एक से ज्यादा पे करेगी तो नहीं होगा। जी जी एग्जैक्टली exactly. और कोई बताए, और कोई? एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा जी यूसरा, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर ओनली एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वो हमारा फंक्शन होगा। एग्जैक्टली जी। अच्छा एग्जैक्टली हाँ ओके। सो ग्राफ ऑफ फंक्शन में आई मीन कि आपको कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं जो है ना थोड़ा बहुत बताता जाता रहूँ, सही है, मैं जो है ना अपना फर्ज निभा लूँ, ठीक है। अब हमारे पास देखें जो है ना ग्राफ ऑफ फंक्शन मीन्स एक वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज की जाती है। क्या? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम पता नहीं किसने दिया था, लेकिन जो है ना याद होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पॉइंट टेस्ट। पेंसिल सेट, सॉरी सॉरी लिटिल बिट सॉरी, पेंसिल टेस्ट। क्या कहते हैं हम? पेंसिल टेस्ट, सही है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि ये बताती है हमें कि आपके पास अगर ये वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो वो आपके पास फंक्शन होगा, अगर वर्टिकल लाइन कर्व को दो पॉइंट से जो है ना कट कर रही है तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। अब इससे मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम कुछ ग्राफ्स बना के आपको समझाते हैं कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे काम करती है, सही है। अब देखिए मैं जो है ना एक ग्राफ ले रहा हूँ, सपोज मैं जो है ना एक ग्राफ लेता हूँ, तो आप ये बताएं कि ये आपके पास फंक्शन है और नहीं। ये देखें, ये मैं, मुझे कोई बताएगा कि ये कौन किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पैराबोला वाला। जी 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 एग्जैक्टली थैंक यू। अच्छा वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि आप इस कर्व से जो है ना वर्टिकल लाइन पास कराएं, ये वर्टिकल लाइन पास करा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये नोट करें, ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो इसी कर्व को, वो इस कर्व को एक पॉइंट पे मीट करिए, ये देखिए एक एक पॉइंट पे मीट करिए। सो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे मीट करे तो वो आपके पास फंक्शन होगा, सही है। सो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जो भी क्वाड्रेटिक हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं, सही है, क्योंकि उनका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला हो